ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को मिली ऐतिहासिक जीत पर दुर्ग में भी पार्टी के सदस्यों ने जीत का जश्न मनाया। यूपी की चर्चित मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को जीत मिली। वहीं उन्होंने भाजपा के रघुराज शाकी को लगभग 2,88,461 वोटों से पराजित किया। दुर्ग में समाजवादी पार्टी से जुड़े सदस्यों ने दुर्ग के मेनोनाइट चर्च के पास गुरुवार शाम फटाके फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। इस अवसर पर पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए आगामी छत्तीसगढ़ में भी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी तो बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत हुई है जो यूपी में इस चुनाव में, इसका परिणाम से जनता ने बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और भी अच्छे स्तरों पर कार्य करेगा और हम छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी को और डिंपल वाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग भी उस जीत का हम खुशियाँ यहाँ मना रहे हैं और हम सबों में काफ़ी हर्षोल्लास है कि हम सब भाई इकट्ठा हुए हैं समस्त समाजवादी के लोग और उस खुशियों में हम सहभागिता कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से हम सब इकट्ठा होकर और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को और भी बहुमतों के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल बनाएं, इस योग आपसे अपील करें। आज हम छत्तीसगढ़ के समस्त साथी जो गढ़े हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जो यूपी में मैनपुरी में उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी के रूप में डिंपल यादव जी को प्रत्याशी बनाया था। उनकी ऐतिहासिक जीत की खुशी में आज हम लोगों ने पटाखे फोड़ के मिठाई बांट के आपस में खुशियाँ मनाई। ये भी रणनीति ये रहेगी कि आगे चुनाव में इसी प्रकार जनता ने अगर साथ दिया तो एक दिन ऐतिहासिक जीत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सुनिश्चित है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।